दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस युद्ध में अभी रूस का पलड़ा यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की जबरदस्त भूमिका रही है। ये ड्रोन ही थे जिनकी बदौलत यूक्रेन में युद्ध के शुरुआती दौर में रूस की नाक में दम कर दिया था। अमेरिका द्वारा मिले इन ड्रोन ने खूब तबाही मचाई थी। इसको देखते हुए रूस ने भी अपनी ड्रोन क्षमता में इजाफा किया है और कामिकाज ड्रोन को मैदान में उतारा और इसके जरिए यूक्रेन को भरपूर जवाब दिया है। कामिकाज ड्रोन से तबाही का एक और वीडियो सामने आया है जिसने यूक्रेन की एक जेट को नष्ट कर दिया है। 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को कवर करने वाले कई रूसी चैनलों ने इस क्लिप को शेयर किया है। इसमें यूक्रेन के निपरोप्रोतोष क्षेत्र के डोंगिस एयरबेस पर एक लैंसेट मानव रहित हवाई जेट को सोवियत युग के ACU-25 जेट से टकराते हुए दिखाया गया है। सैन्य जेट के पंखों के किनारों को यूक्रेनी झंडे के रंग में रंगा गया है जो रनवे पर खुले में खड़ा है। लैंसेट तेजी से युद्धक विमान पर हमला करता है और उसे उड़ा देता है। अब आपको यूक्रेन मुसीबत बन चुके इस ड्रोन की खासियत बताते हैं। वैसे इसे स्विच ब्लेड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। कामिकाज ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, मतलब अपने टारगेट एरिया में अपने दुश्मन पर सीधे हवा में ही उससे सीधा टकरा जाता है जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ये ड्रोन छोटा और वजन में हल्का है। कामिकाज ड्रोन को रडार सिस्टम के जरिए डिटेक्ट करना मुश्किल है। यह इंसान के चेहरा पहचानने वाली तकनीक से संचालित है। कामिकाज ड्रोन को सटीक लक्ष्य की निशानदेही देकर कहर बरपाने में यह ड्रोन पूरी तरह से सक्षम है। कामिकाज ड्रोन वजन में लगभग 50 किलोग्राम पेलोड मतलब विस्फोटक लेके अपने साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ड्रोन तेज रफ्तार के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। कामिकाज ड्रोन से हाल में ही किए गए इस हमले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि हमला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। कई विश्लेषकों और कई यूक्रेनी मीडिया आउटलेट्स ने यह भी बताया कि ड्रोन ने ऐसी ही छोटी फायर के नकली यूक्रेनी जेट मॉडल को मारा है। लेकिन हकीकत चाहे जो भी हो, कामिकाज ड्रोन की ताकत को यूक्रेनी अधिकारियों और पश्चिम के देश दोनों ने मान्यता दी हुई है। यूक्रेन एक तरफ जहां ड्रोन सहित लंबी दूर तक मार करने वाली हथियारों की कमी से जूझ रहा है, ऐसे में रूस की यह कामिकाज ड्रोन जेलेंस्की की मुश्किलों को बढ़ाते रहेंगे। अब आगे और आने वाले दिनों में यूक्रेन पर न जाने और कितनी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अब दोनों देशों पर सर्दियों की शीतम आने वाली है। अब हो सकता है कि रूस अगले साल की सर्दियों की तरह इस बार भी यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला करना चालू ना कर दे। तो दोस्तों ये खबर इतना ही। देश दुनिया की जुड़ी ऐसी ही खबरें सुनने और देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।